नबील का बोल बोल कैसा चल रहा है? बोल अच्छा चल रहा है, बोल अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, योर लवली रिलेशनशिप विद जामी, क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आई थिंक बड़े सीनियर आदमी हैं और बहुत ही सीखने को मिला है उनसे। जब छोटे थे तो हमें पता ही नहीं था। मुझे याद है मैंने उनका एक दो म्यूजिक वीडियोस देखे थे जब मैं इस इंडस्ट्री में भी नहीं था। तो आप उनके करियर के बारे में बता रहे हैं। मैंने कहा आपकी लवली रिलेशनशिप पे जाओ। लेकिन लवली रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, बट ठीक है, वो आपका हर किसी का एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है या एक स्कूल ऑफ थॉट है, उनका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। वो अपने तरीके की फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं अपने तरीके की फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ किसी को प्रीच करूँ कैसी फिल्म बनाओ, वो शायद थोड़ा सा प्रीच करते हैं लोग, बस वो एक आई थिंक हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है। बट यू लव हिम। यस यू लव हिम। ये ऑन रिकॉर्ड है कि जी नबील कुरैशी लव्स जामी। बिल्कुल जामी, अब जब आएंगे तो उनको पता लगेगा। आपको लग रहा है आप एक स्टाइल में फंस गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तीनों फिल्में जो पिछली आई हैं, अगर आप वैसे देखें तो एक्टर इन लॉ वॉज प्रिटी मच डिफरेंट विद नामालूम अफराद। तो मे बी जो मैंने पिछली दो तीन फिल्म बनाई हैं, मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस और जिस तरह की चीज़ें मैं बनाना चाहता हूँ वो उस तरह से, मे बी आने वाले दौर में मैं बिल्कुल कोई अलग तरीके की फिल्म बना रहा हूँ। बिकॉज कहानी आपके अंदर से निकलती है। ऐसा नहीं है कभी भी मैंने जब फिल्म्स लिखी हैं तो ये सोच के नहीं लिखी कि यार ये चलेगा या ये नहीं चलेगा या ऑडियंस को ये चाहिए या ऐसा चाहिए। मैंने वो फिल्म बनाई है जो मैं खुद देखूँ तो मुझे मज़ा आए एक्चुअली। और इनफैक्ट अभी जब मेरी नई फिल्म आ रही है लोड वेडिंग, ये आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पिछली तीनों फिल्मों से मुख्तलिफ है एक्चुअली। ओके, दैट्स एग्जैक्ट। हम उस पर अभी आने वाले हैं छलांग मार के। अगर आपको पिक करना है आउट ऑफ एनएमए 1-2 एन एक्टर, कहाँ आपको लगा कि ये बस बिल्कुल ठीक हो गया और ये कि यार ये मैं इसको ये कर सकता था? या आई थिंक ऐसी कोई भी फिल्म नहीं होती है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें आप बोले कि ये कम्प्लीटली मतलब लाइक परफेक्ट, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी को नहीं पता लगती, वो डायरेक्टर को खुद पता होता है कि यार उसने इस जगह पे क्या प्रॉब्लम है या उसने ये चीज़ गलत की हुई है या ये चीज़ और बेहतर हो सकती थी। मूविंग ऑन, ये तो ज़बरदस्त हो रहा है। ये जो आप फीचर करते हैं खूबसूरत अंदाज में और उसमें डांस को इन्वॉल्व करते हैं, ये क्या कोई दिल की खलिश है जो वो सिंगिंग के करियर जो आपने जो स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ेदार था, बड़ा खूबसूरत गाना भी था उसका और वीडियो भी थे, आमना ने बनाया था, वो खलिश है या कोई सुभाष घई टाइप कोई कुछ चक्कर? और नाच ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मैंने आके कुछ और भी किया ना, डांस तो सिर्फ एक्टिंग में। मैंने आपको नाचते हुए भी देखा है कि मुझे लगता है कि हमारे हीरोज इतना अच्छा डांस आपको ये बताएंगे, मैंने इनका नागन डांस भी देखा है। अरे किया भी है। अरे 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 अरे, आपको तो पता है फिर पार्टीज तो टेक ओवर, जो डीजे जो है वो राजू हमारे साथ होते हैं और डांस फ्लोर पे जो है so वो, ये क्या है फीचरिंग का क्या सिलसिला है? एकदम बर्गर पार्टीज को एकदम बर्बाद कर देते हैं, पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मतलब डांस का मुझे बड़ा शौक है और क्या, अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी, शायद आपको भेजी है, मैं नहीं तो भेजूंगा। तो वैसे ही क्या कहते हैं, मुझे लगा थोड़ा सा कैमियो दे देता हूँ। ओके okay. और इनफैक्ट इट्स नॉट कि मैंने खाली फिल्म में क्या कहते हैं, इस बार नाम टू में नहीं दिया इनफैक्ट। ओके, व्हाई फहद ओनली? बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर और प्रोफेशनल है, हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, मेहनत करता है, उतनी ही मेहनत करता है जितनी हम सब सेट पे कर रहे होते हैं। हुमायूं सईद नहीं करता? हुमायूं सईद बहुत ही इज़ ब्रिलियंट। आप लोगों ने काम किया था उनके साथ एक्टर इन लॉ में, आपको याद होगा उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी। और कोई चेंज तीन फिल्म्स में फहद की एटीट्यूड, ग्रोथ की बात नहीं कर, ग्रोथ सबको नजर आ रही है? नहीं, आई डोंट थिंक एटीट्यूड में कोई ऐसा 19-20 का फर्क है, बल्कि इनफैक्ट पहले मैं इज्जत करता था, अब तो मैं उसकी बेइज्जती कर देता हूँ। तो एटीट्यूड में तो उस तरह का जो है वो फर्क ही नहीं, क्योंकि पहली फिल्म पे एक्चुअली मैं करता था फादर, मेरी इतनी दोस्ती नहीं थी, इट वॉज वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, वो आ जाएगा, शूट किया, खत्म हो गई बातचीत, फिर पहली फिल्म खत्म हो गई, फिर एक्टर इन नामालूम अफराद और एक्टर इन लॉ के बीच में एक साल का गैप है। एक्टर इन लॉ के दरमियान मेरी इसकी बहुत अच्छी जो है ना वो एक दोस्ती और एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो हमारा हो गया, भाई दोस्ताना हो गया, ठीक है, याराना तो याराना तो वो हो गया। तो उसके बाद जो है ना फिर ज़रा काफ़ी ईजी भी हो गया ऑब्वियसली, कि वो समझता है कि यार अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो इसका कोई मकसद होगा, या जैसे मुझे उसकी पोटेंशियल पर पूरा भरोसा है इस तरह उसको भी मेरे पोटेंशियल पर भरोसा है, तो उसको ये नहीं लगेगा यार ये कोई चीज़ करा रहा है तो खाम खा नहीं करा रहा होगा, मुझे भी पता है कि अगर यार वो कुछ सजेशन दे रहा है तो हाँ सोच तो के दे रहा होगा। आ गया कि exactly, हम एक दूसरे yeah. का बेहतर चाहते हैं और प्रोजेक्ट के लिए है। एग्जैक्टली, सेम विद महविश एक्चुअली। हाँ, सेम विद महविश, शी इज़ ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग, एक बार वो आपके साथ काम पर है तो शी इज़ वक्त पे,
थोड़ा सा महवेश का जरा सा है अगर तो थोड़ा थोड़ा सा है थोड़ा, बट ठीक है स्टार है इतना तो बनता है। मूविंग ऑन, सिनेमा गोर नबील आपके अंदाजे में और आपके ख्याल से और आपकी अपनी जो वो है कितना इंटेलिजेंट हो गया है, बेवकूफ़ बना सकते हैं उसे? जड़ नहीं, मैं कभी भी इनफैक्ट पहले भी नहीं सोचा। आई थिंक ऑडियंस जो है ना वो बड़ी तेज़ है, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते और कभी सोचा भी ना कि आप उनको बेवकूफ़ बना देंगे। जिस दिन आपने ये सोचा आप खुद बेवकूफ़ बने, और ऑडियंस इतनी ट्रिकी चीज़ है ना, आप कभी जज भी नहीं कर सकते हो उनको कि उनको ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज फिल्म मेकर हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, तो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही होती है। ट्रैश जैसे क्या? हाँ मतलब आप तो बहुत ही जो है ना वो रिस्की काइंड ऑफ बिजनेस है बेसिकली ये, तो आप जो बना रहे हो वो एक साल की मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट पता लगेगा, तो उस तरह की चीज़ें आई डोंट थिंक आप कभी जज कर सकते। आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उन्हें पता नहीं करना भी नहीं चाहिए ना। इवेंचुअली देखिए ये वही वाली बात है, हम लोग फिल्म मेकर हैं ना, पॉलिटिशियन नहीं है कि आवाम को उल्लू बनाएं या उनको अंडर एस्टिमेट करें। हम चीज़ ही आवाम के लिए बना रहे हैं तो हम उनको अंडर एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकते। और ये दो सवाल हैं, ठीक है तो आइटम सॉन्ग एक्सप्लेन करें मुझे कि होता क्या है, होता क्या क्यों होता है, और आप खुश होते हैं जब वो बन रहा होता है, जब आप जब बना रहे होते हैं तो खुश होते हैं? आइटम सॉन्ग क्या है? मेरे लिए एक डांस नंबर है जिस पर लड़का हो या लड़की हो वो डांस कर रही है, सब इंजॉय। तो हमने इसमें से आइटम हटा दिया। मैं ऐसे डांस नंबर बोल, ठीक है, जब हम डांस नंबर बना रहे होते हैं ना, सच्ची बात है कभी भी ना ये नहीं सोचा कि यार ये चीज़ जो है ना वो मेरी फिल्म चला देगी, कभी भी नहीं होता okay. नहीं सोचते हुए कभी भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बात होती। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव प्रूव्ड। अगर आप जामिया भाई की बात कर रहे हैं, मुझे याद है नामालूम अफराद बनाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, नामालूम अफराद बनाई थी, तो जामिया भाई ने जो है वो काफ़ी डायरेक्टली चीज़ें लिखी थी, ठीक है ना, कभी वो फोटो खींच के बिल्ली की लगा देते कि देयर इज बिल्ली इन मोर ऑल्सो, और इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है वो आई एंजॉय इट, ठीक है ना। क्या बात है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि यार मेरी आदत है मैं ज़्यादा बातों से जवाब नहीं देता, ठीक है ना, आई बिलीव इन एक्शन, ठीक है। सो आई मेड अनदर फिल्म कॉल्ड एक्टर इन लॉ एंड देयर वाज नो आइटम नंबर इन इट। जामी खुश हो गए? हाँ, एंड इट मेड, नहीं नहीं जामी खुश, जामी खुश नहीं हुए, इट मेड मोर देन नामालूम अफराद, इट मेड 26 करोड़। सो दैट शोज के ऑडियंस ना आइटम नंबर देखने नहीं आती है, फिक्स्ड वो नहीं है, फिक्स्ड वो नहीं, गाना होगा तो हाँ। होगा, और प्रोड्यूसर भी नहीं कह सकता आपको कि जी गाना तो चाहिए मुझे, नहीं, हम लोग तो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फिजा, हम लोग खुद लिखते हैं। नबील कुरैशी का कोई मेथड है फिल्म लिखने का, डेवलप करने का, बनाने का? कुछ आई हैव सीन के माशाल्लाह ये पिछली दो फिल्म्स में आप कॉन्स्टेंटली प्रोसेस में ही रहे। मेथड सिंपल यही है यार, एक अगर कोई आइडिया होता है फिजा के पास या मेरे पास, तो हम उस आइडिया को जो है वो शुरू कर देते हैं। हम लोग अक्सर जो है ना वो शाम में जाते हैं जमजमा पार्क रनिंग पे, तो वो बेस्ट टाइम होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। ये जो नबील और फिजा के फैंस हैं और जो इनके काम को मानते हैं वो ये समझ लें कि जमजमा पार्क पहुंच जाए, वो किसी भी पार्क जाए, लेकिन आई थिंक बड़ा जरूरी है। मैंने पीछे पीछे इनके भागते रहे और सुनते रहे, जब हम लोग अक्सर बात कर रहे थे, हम देख भी रहे थे बच्चे को, है तो नहीं कोई देख तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा, तो ये चीज हम कर रहे होते हैं उन दिनों जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं। फिर मैं जब गाड़ी चला के, मेरा घर बहुत दूर है, मैं रहता हूँ सराब गोट पे, ठीक है ना, तो मैं भी रहता हूँ, तो जब मैं जा रहा हूँ तो ऑफिस से डिफेंस से सराब गोट तो काफ़ी एक घंटे का रास्ता है, तो वो एक घंटा जो होता है ना वो बड़ा सोचने का होता है। म्यूज़िक चला दिया आपने, उससे आपको कोई आइडिया आ गया, शानी भाई ने गाना बना के भेजा, गाड़ी में सुनते जा रहे हैं, दिमाग में चल रहा है। अगर शानी भाई ने बना के भेज दिया तो आप वो जो है वो क्या कहते हैं सुन रहे हैं दिमाग में, और उसके अलावा जो है वो फिजा के घर पे बैठ के काम कर लेते हैं काफ़ी, नहीं तो एक और कैफ़े लाल्स यहाँ पर काफ़ी हमारा लकी चाम है, उधर बैठ के लाल्स भी जा सकते हैं आप लोग उधर हमें मिले हैं दो तीन लोग तो वहाँ बैठ के काफ़ी चीज़ें। नबील फिजा, आई नो कि आप दोनों का जो दोस्ती है और जो रिलेशन है वो दोस्ती और बिजनेस और उससे कहीं आगे का है, वो आप लोग एक मतलब एक फैमिली है वो, बट एज अ प्रोड्यूसर वो क्या लाती हैं इक्वेशन में जो कोई और प्रोड्यूसर अभी तक, मैंने काम किया आप लोगों के साथ, आई बिन लकी कि मैं दो बार आप लोगों के साथ इंटरेक्ट, मैंने ऐसा प्रोड्यूसर देखा ही नहीं। मैं तो प्रोड्यूसर वो देखा है जो अनलेस के पीछे करती हूँ, मैंने कभी नोट गिनते हुए नहीं देखा या इस तरह की कोई बात नहीं, नहीं यार मैं आपको सच बताऊं नोट गिनने में तो ये सीधा कि मैं उसको बोल रहा हूं कि यार इधर पैसे बता दो, इक्वेशन में क्या लाती है जो कोई और नहीं। आई थिंक एक तो ये कि देखिए जब प्रोड्यूसर खुद क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होता है ना और एज ए क्रिएटिव पर्सन काम कर रहा होता है, वो बिल्कुल फिर वो पैसे वाला प्रोड्यूसर रहता ही नहीं है। उसमें ये है कि यार वो बहुत फ्रीडम देती है डायरेक्टर को या इवन बाकी भी लोगों को, और मैंने देखा है हाँ, तो वो कभी भी उस तरह से नहीं आती। हालांकि वो मेरे साथ लिखती है फिल्म, मैं उससे पूछ रहा होता हूँ यार इसको ऐसे करने बोलती है यार जैसे तुम्हें ठीक लग रहा है तुम अपने हिसाब से देख लो, तो
कभी भी उसने मुझे आके एडिट पे आके नहीं बोला कि यार इसको कम कर दो या वो कर दो या नहीं यार ये ऐसे ही होगा. सो वो आई थिंक किसी भी डायरेक्टर के लिए उससे ज़्यादा बड़ी बात हो नहीं सकती. तो ये टीम जो है वो ट्रू सेंस में टीम है. हाँ, चाहे वो बेशक फिजा हो या राणा हो फॉर दैट मैटर. आपने देखा अपनी मसल राणा, तो मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि राणा कामरान अगर ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जिस तरह और जिस मोहब्बत से वो नबील कुरैशी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ नहीं करते. ये अब मेरे पास 10 गवाह हैं इस बात के. प्रमोट करना, ओवर प्रमोट करना, और द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ द ईयर, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग कमिंग. हाँ, ये धोखा प्रीमियर की रात को ख़त्म हो जाता है. यार देखिए, धोखा प्रीमियर की रात को जो है ना, वो आप धोखा उड़ जाता है उस वक्त जो है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते. और ये मुगालता होना ठीक है कि नहीं प्रमोशन पे चला दो? मेरा इस बात पे कि फिल्म ट्रेलर पे हिट हो गई. अच्छा देखें, ठीक है, ट्रेलर का अच्छा होना ज़रूरी है. ऑब्वियसली ट्रेलर एंटिसिपेट करता है ऑडियंस को. आई थिंक ट्रेलर आपकी फिल्म का इश्तहार है बेसिकली. प्रमोशन के साथ फिल्म ज़रा बैंग से खुलती है, प्रमोशन के बगैर फिल्म अपने कंटेंट पे चलेगी इवेंचुअली, ठीक है ना. प्रमोशन पे ये हो गया है जो अब मेरा बड़ा एक सिंपल मानना है कि आप दुनिया जहान की प्रमोशन कर लें, आपको मैक्सिमम 3 दिन का एडवांस मिल जाएगा, उसके बाद फिल्म ने वर्ड ऑफ माउथ पे चलना है. लोड शेडिंग क्या है? लोड शेडिंग पाकिस्तान का कौमी खेल है. तो फिर लोड वेडिंग क्या है? लोड वेडिंग वो चीज़ है जो आई थिंक हर एक आम इंसान जो है ना उससे रिलेट कर सकेगा, और कोई भी लड़का हो या लड़की हो इनफैक्ट, और शादी उनकी होने वाली है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना वो उससे रिलेट करेगा. लोड वेडिंग इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ऑब्वियसली ज़रा टाइम है पूछेंगे फिल्म के बारे में, लेकिन आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज़. और क्या टाइमलाइंस हम देख रहे हैं, क्या है? आप फौरन ही शुरू, बकरीद पर इंशाल्लाह रिलीज हो जाएगी फिल्म. बकरीद पर तो और बहुत सारे बकरे धना धन आने वाले हैं. तो आप सर, मैं हूँ कुरैशी, मैं बकरीद नहीं छोड़ सकता, मसला है ये, ठीक है. एक दावत में आप और मैं मौजूद थे और उसी तरह की किसी एक सिमिलर जगह पे मैं था और आप भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है. और एक खातून है बहुत अच्छी खूबसूरत सी, एक मॉडल टाइप वो हैं. तो आपकी आपके बैचलर होने की और आपकी खूबसूरत खूबसूरत अंदाज, आपके खूबसूरत अंदाज की बात हो रही थी. तो मैंने ये सुना कि दो खवातीन आपस में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि रूड है, और अच्छा, बहुत रूड है, और यू नो अभी तो क्योंकि फिल्म्स हिट हो रही हैं तो जरा रूड हुआ हुआ है. इसके बारे में, औरतों के इस ख्याल के बारे में क्या आपका वो है? आई थिंक मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, डांस भी जमीन पे कर लेता हूँ. मैं तो देखा है आपको लेटे देखा हूँ. हाँ, तो ये उनका सवाल ऐसा नहीं है. आई थिंक करीब आएंगी तो मुझे जान जाएंगी. अच्छा, तो ये ऊपर से सख्त हूँ अंदर से बहुत नर्म हूँ. ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म जो नबील कुरैशी है, वो इमोशनल आदमी है या? आई थिंक वेरी, आई एम वेरी प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, कोल्ड हार्टेड, सख्त लड़का, सख्त लड़का, लौंडा हूँ मैं. एक्सेलेंट नबील, थैंक यू सो मच, दिस वाज फन सर. और आपका मीटअप पे आने के लिए बहुत शुक्रिया सर. माय प्लेजर, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मुझे था कि कुछ तरह इसी तरीके से मैंने कोशिश पूरी की है, बट मुझे ये लगा कि ये सबसे एप्ट सवाल थे आप जैसे कलरफुल इंसान के लिए. सख्त लड़का नबील कुरैशी, सख्त लड़का. थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अगर आपको आज का मीटअप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.